न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झकझोर दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर ये मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुकदमे का कुछ यूं था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 110 साल की माँ की देखरेख कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 10-15 दिन रख लें, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर क्यों होने दूँ, अगर माँ कह दे तो उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता हूँ तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहे हैं, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान न्यायाधीश महोदय ने अपने सभी प्रयास कर लिए मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती है। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर पर आई। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर हैं, मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है, जो आपका निर्णय होगा मैं उसे ही मान लूंगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है, ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दे दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगता है कि इस बुढ़ापे में मेरा स्वर्ग ही मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सभी रोने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो। क्या बात है कि माँ तेरी की लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, यह पाप है। हमें इस मुकदमे से यह सबक लेना चाहिए कि माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए, सभी को अपने माँ बापा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी से स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।